Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Aaj inshallah recipe share karne wali hu pineapple cake ki. Aap logon ko sabko zarur pasand aayegi inshallah. Ye 100 grams shakkar aur 100 grams maida hai. Ye kuch cherries hai. 4 adad ande hain. Ye brown sugar hai 50 grams. Ye kuch pineapple slices hai aur wo baking soda aur namak hai, ek chutki namak. ये मैदा है, ये बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर सॉरी, और इसमें एक चुटकी नमक है. इसको अच्छे से छान लीजिए तीन दफ़ा. उसके बाद चार अदद अंडों को फेंट लीजिए. इस साइज़ में डबल होने चाहिए. जब ये साइज़ में डबल हो जाए तो इसमें शक्कर ऐड करते जाएं और इसे भी बीट कर लीजिए. ये मैदे का मिक्सचर है जिसे सिर्फ फोल्ड करना है एक स्पून से. इसे मशीन से या हैंड ब्लेंडर से फेंटना नहीं है बिल्कुल भी. और ये वनीला एसेंस है 1 टेबल स्पून. ये केक बैटर रेडी है. और ये बटर है 100 ग्राम्स 50 ग्राम्स ब्राउन शुगर. इसको थोड़ा कुक कर लीजिए ओवन में. तीन से चार मिनट के लिए. ये ट्रे में बेकिंग पेपर सेट कर लीजिए. इसमें बटर और ब्राउन शुगर का मिक्स डाल लीजिए आप लोग. पाइनएप्पल स्लाइसेस ऐड कर लीजिए आपके ट्रे के मुताबिक. इसे सेट करने के बाद, और मर्ज़ी आपकी है, अगर आपको फ्लफ़ी मोटा सा केक चाहिए तो आप बर्तन छोटा ले, और आपको अगर बारीक सा केक चाहिए तो थोड़ा बारीक सा चाहिए तो थोड़ा बर्तन बढ़ा ले. मुझे इतना मोटा चाहिए था ना उतना बारीक, तो मैंने मीडियम साइज़ की बेकिंग ट्रे ली. उसमें चेरीज ऐड कर लीजिए. इंशाल्लाह बच्चों का फेवरेट केक होगा. ये बैटर ऐड कर लीजिए. ये प्री हीटेड ओवन में फिर से 180 डिग्रीज के साथ इसको 20 मिनट्स के लिए रख लीजिए. क्योंकि किसी का ओवन बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और किसी का थोड़ा स्लो, तो अपने ओवन के हिसाब से रख लीजिए. और एंजॉय करिए विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. सब्सक्राइब करना ना भूलें. अल्लाह हाफिज़.